हाय फ्रेंड, तो आप सब आशा करते ठीक है। देखो ये मेरा एक लामबर्ड का पेयर है। तो देखो वैसे तो मैं लामबर्ड इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, इतना ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं कराता, लेकिन ये वाला का पेयर जो है ना, इसके साथ मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके साथ कभी मैंने शेयर नहीं किया। तो सोचा कि चलो आज रात में आया था सेटअप में, तो ये मेरे को बाहर देखा। वैसे तो ज़्यादा टाइम ये लोग बाहर रहता नहीं है, अपने नेस्ट बॉक्स के अंदर ही पड़ा रहते हैं पूरा दिन। दिन में जब भी आते हो तो देख के घुस जाते हैं बॉक्स के अंदर, और रात में कभी कभी आके देखता हूँ कि बाहर है। लेकिन रात में इतनी ज़्यादा लाइट नहीं रहता तो वीडियो अच्छा नहीं आता, तो नहीं बना पाता। तो मेनली ये जो लामबर्ड है ना, ये मेरे पास तीन साल से पड़ा हुआ है। लगभग 20-25 बच्चे भी दे दिया इन्होंने, और सेम कलर का सेम बच्चा आता है। और ये जो लामबर्ड है मेरे पास लाने का पीछे एक बहुत बड़ा एक रीज़न था, एक बहुत मतलब आपके साथ शेयर करता हूँ, दिल की बात है। किसी मतलब किसी को नहीं बताया, तो आपके साथ ही शेयर करते हैं, यूट्यूब में ही शेयर कर लो सबसे पहले। तो ये जो प्यार है, ये मैं एक पार्क में जाके पहले देखा था। मैं कॉकटेल कर रहा हूँ कम से कम 10-10.5 साल हो गया, लेकिन लामबर्ड में कभी सोचा नहीं था कि करूँगा ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए। लेकिन इसको मैं एक गया था ना हावड़ा में, एक निर्णयम पार्क है, जो लोग हावड़ा या बुनगा के साइड से हो लोग पहचान पाओगे, कि वहाँ पर जाके मुझे इस तरह का एक पेयर दिखा था। उस पार्क के अंदर रखा हुआ था एक केज में, वहाँ पर कुछ बाट्स का सेटअप वगैरह था ना, उसके अंदर एक ही पेयर रखा था। और जो कि मैं गया था वहाँ पर, अकेला नहीं गया था, मेरा जो गर्लफ्रेंड था, अभी भाई नहीं है, दो लोग मत पूछना कि भाई तुम्हारा गर्लफ्रेंड का दिखाओ, ये सब मत बताना, अभी नहीं है, पहले था, अभी एक्स हो गया, तो उसके साथ गया था। और ये बाट जो है ना, उसको पसंद आ गया था। तो मैं बहुत ढूंढने के बाद लगभग 5-6 महीने बाद मुझे ये मिला था, और मैं बहुत ही महंगा में लिया था, क्योंकि देखो भाई अभी कुछ चीज़ ऐसा होता है ना, अभी चाहिए मतलब चाहिए ऐसा होता है। तो इसको मैं लेने के लिए गया था और बहुत ज़्यादा रुपए में ले लिया था, क्योंकि वही बात है कि जो चीज़ चाहिए वह चाहिए बस। तो अभी गर्लफ्रेंड नहीं है, और इन लोगों से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि इससे इतना ज़्यादा प्यार हो गया ना, गर्लफ्रेंड के बगैर भी इसको देख के मतलब अच्छा ही लगता है। जब भी दिन में आता हूँ तो अंदर चला जाता है, और कंटिन्यू लगभग बच्चे भी देते, ब्रीडिंग भी करते, 20-25 बच्चे भी दे दिया इन्होंने। इसका जो भी बच्चा देता है सेम कलर में आता है। मेरे बहुत से दोस्तों को मैंने इसको दिया है बच्चा जो है इसका, बाकी मेरे पास भी कुछ रखा हुआ है, नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए मैं जाऊँगा। और अभी सोच रहा हूँ कि जैसे कि क्या बताए, कुछ लामबर्ड का सेटअप भी लगा देते हैं भाई। बहुत सारा पेयर हो गया, 15 से 16 पेयर हो गया लामबर्ड का, सेम कलर में है। एक दो पेयर जो है वो आपका फिशर में भी है, ब्लू मार्क्स में भी एक पेयर दो पेयर का है मेरे पास, लेकिन ज़्यादातर ना ऐसा ये पेयर है। तो ये पेयर लामबर्ड करने के पीछे मेरा जो हिस्ट्री है वो वही है कि गर्लफ्रेंड की वजह से लाया था, तो गर्लफ्रेंड नहीं है। तो आप सोच, अब इनका इतना प्यार में पड़ गया कि इसके ही अब सोचे कुछ सेटअप लगाते हैं। तो आपका क्या राय है, इसका कुछ सेटअप हो सकता है कि नहीं? जो लोग करते हैं लामबर्ड वो थोड़ा हेल्प कर देना भाई, क्योंकि मैंने तो ये एज ए शौक के लिए रखा है, 2 साल हो गया इनका एज, ठीक है। तो ये आज रात में आया था, बहुत बाहर बारिश हो रहा है, तो बहुत सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं, बाहर भी है रात में। और देखो इसमें रात में वीडियो में बनाने में ना लाइट का बहुत दिक्कत आता है, जिस वजह से मैं रात में वीडियो नहीं बनाता। फिर आज ये शांत बैठा भी है, देख रहे हो, इतना ज़्यादा एक जगह पर रहता नहीं है कभी भी, मैंने तो कभी नहीं देखा कि हाँ भाई एक जगह पर बैठा हुआ है दोनों। आज क्या पता नहीं सामने बैठा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है, मतलब वीडियो बनाने का अच्छा मौका मिल गया तो वीडियो भी बना रहा हूँ। वैसे तो लामबर्ड का बहुत सारा कम वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब में, जो लोग पुराने लोग हैं वो भी बता सकते हैं कि हाँ एक भी वीडियो शायद मैंने डाला है यूट्यूब में। क्योंकि ये बहुत शांत स्वभाव आपके हैं, अपना खाना भी बहुत ज़्यादा जाया नहीं करते, जो भी देते इनको बहुत अच्छे से खा भी लेता है, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाल लेता है, ठीक है। देख के लग रहा है कि बहुत कोनून की टाइप का आला है ना, कलर वगैरह, ठीक है। बाकी इधर भी देखो एक जो है बैठा हुआ है सामने ही, मतलब वीडियो बना रहा था उस पेयर का, तो ये उसको देख रहा था कि यार चलो क्या हो रहा है इसके साथ। बाकी इसका भी कुछ अंडे हैं इसके अंदर, ठीक है, ब्रीडर पेयर है ये भी और ये भी। और एक चीज़ भाई, हंसना मत, क्योंकि मैं कॉकटेल ही करता हूँ ना बहुत दिन से, तो म्यूटेशन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, तो थोड़ा इसको बता देना क्या कि इसका म्यूटेशन क्या है और इसका मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है। मैं जब लाया था भाई, मतलब
क्या बताए, गर्लफ्रेंड के लिए लाया था ना, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ले लिया था मुझसे, और सही है ही चाहिए था, ऐसा कुछ होता है सबके साथ ही, तो मतलब ले लिया था बस। तो वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कितना महंगा लिया था, तो आप लोग थोड़ा कमेंट कर देना कि अभी इसका रेट क्या चल रहा है। बाकी सोचा है कुछ सेटअप बिठाने का मीटिंग के लिए, और इधर भी कुछ प्यार है ये इसके अंदर, तो सब घुसा हुआ है रात में, मटकी के अंदर ही है। बाकी ये देखो, ये लास्ट क्लच के ये कुछ बच्चे हैं, ये सब घर के लिए आपने रखा है, सामने का है, उसके बाद पीछे का, ये नया बच्चा है, मतलब कुछ ही दिन हुआ है मैंने इसको अलग किया है, अपने मतलब बॉक्स से निकाल के दिया है, ठीक है। बाकी अभी बड़ा नहीं हुआ। आपको कैसा लगा मेरा लापरवाह जरूर बताना। और यहाँ पर भी एक प्यार है, मैंने ब्रीडिंग के लिए बिठाया था, इसका अभी कुछ रिजल्ट वगैरह अच्छा मिला नहीं हमको, एडल्ट भी नहीं हुआ, अभी 6-7 महीने का हुआ है, बस पेयरिंग हुआ है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है इसका। बाकी वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक देना, और चैनल में नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और जिसके लिए लापरवाह लाया था वो भी आप नहीं है तो इतना टेंशन की वो कोई बात नहीं, टेंशन भी खत्म हो गया भाई, ठीक है। तो देखो आपको कैसा लग रहा है थोड़ा बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।